2 मिनट में आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो। जी गाइज, हाय माय लव्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं शेयर करने वाली हूँ बालों को स्ट्रेट कैसे करें। जी हाँ गाइज, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अपने बाल को स्ट्रेट कैसे करें, अपने बालों को मतलब सीधा कैसे करें, वो भी घर पे ज़्यादा पार्लर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइज, मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आप देख लो, ये है मेरे एक्चुअल हेयर, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्ट्रेट इसको करके दिखाऊंगी एंड बहुत आपका बाल सुंदर हो जाएगा। अभी अभी आप मेरे बालों को कंडीशन देख लो, जितने झाड़ू वाले बाल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजनेस आ गया मेरे बालों में एंड काफ़ी ज़्यादा रफ भी हो गया है, बट अभी वो सब बात हटाते हैं। तो अभी मैं यूज़ करूँगी ये 2 क्लचर्स क्योंकि बाल को सिक्योर करने के लिए, एंड ऑब्वियसली एक कोम्ब होना चाहिए आपके पास एंड एक स्ट्रेटनर, इसके बिना क्या ही होगा। ये तो मेन पार्ट है, ठीक है। तो ये मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, वो है फ्लिप का गाइस, वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेटनर गाइस। ये मैं पिछले 4 सालों से यूज़ कर रही हूँ। यस गाइस, इसको मैंने खुद के पैसों से उस टाइम परचेस किया था एंड सच में अभी से ये 4 साल से भी ज़्यादा हो गया एंड ये बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बिल्कुल कुछ भी ख़राबी नहीं है यार, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो अगर आप ये वाला स्ट्रेटनर लेना चाहते हो ना तो डेफ़िनेटली आप ले लो, मैं बाय लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऐसा बात नहीं है कि आपके पास यही स्ट्रेटनर होना चाहिए, आप कोई सा भी स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। अभी मेरे पास यही है, मैं इसी से अपने बाल को स्ट्रेट करती हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ, ठीक है। एंड सबसे पहले आप अपने बालों में हीट सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ करें, बी ब्लेंड का है, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड है, आप वो ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने बालों का ये मिडल पार्ट ले लेना है, कुछ इस टाइप से आप कर लो, ठीक है ना। मैं अपने बालों को हाफ़ कर लेती हूँ, मैं हाफ हाफ बाल को करती हूँ। अगर आपको एकदम पोकर स्ट्रेट चाहिए एंड बहुत ही अच्छा स्ट्रेट चाहिए तो आप ना पहले क्या करो, बालों को एक टाइप से सिक्योर कर लो, ठीक है। अभी मैं ये देखो, सो गाइज अभी देखो मैंने ना अपने बालों को सिक्योर कर लिया है। अभी मैं आती हूँ दूसरे साइड, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेक्शन निकाल सकते हो जितना हो, मैं देखो इतना सेक्शन ले रही हूँ। आप बहुत ही कम कम बाल को लोगे तो अच्छे से स्ट्रेट होगा, जितना कम बाल आप लोगे उतना ही अच्छे से आपके बाल को स्ट्रेट करेगा ये। तो अभी मैं बाकी जो हेयर है ना उसको ट्विस्ट करके मैं इसको भी सिक्योर कर लूँगी क्लचर की हेल्प से। सो गाइज अभी देखो मैंने ना अपने बाल को सिक्योर कर लिया है। अभी आपको क्या करना, डी टैंगल कर लो पहले बालों को, अच्छे से कोम्ब कर लो स्ट्रेट करने से पहले, कुछ इस टाइप से कोम कर लो आप, ठीक है ना। ये देखो मैंने कर लिया कोम। अब आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेटनर को ऑन करना है, ठीक है। ये देखो अब ग्रीन लाइट स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये ऑन हो गया, मैंने हाई पे रखा है, ठीक है। मैक्सिमम ये 1 मिनट भी नहीं लेता है एंड काफ़ी अच्छा ये हीट करने लगता है। यस गाइज, ये काफ़ी हीट होने लगा है। अभी आपको करना है थोड़ा सा अलर्ट होकर करना गाइज, प्लीज़ जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि जब मुझे स्ट्रेट करने नहीं आता था ना बाल, तो मैं बहुत अपने नेक एरिया को यहाँ पर बहुत बर्न करती थी, बहुत बार मेरा जल रखा है यार। तो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से एंड प्लीज़ सेफ्टी से करना, ठीक है। अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, मेरे पास तो नहीं है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आपको क्या करना, अपने बालों को अपने फेस से दूर रखना, ठीक है, इस टाइप से पकड़ना एंड एक हाथ में आपको लेना है कोम, ठीक है। इसको इस टाइप से बालों को ऐसे करके इसको पहले नीचे ले आओ, ठीक है। अब क्या करना, आपको कोम के साथ ही इसको चलाना है कुछ इस टाइप से, जैसे कोम को बहुत ही स्लाइडली नीचे करना है, देन स्ट्रेटनर को भी स्लाइटली बहुत अच्छे से नीचे करना है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करके कुछ इस टाइप से नीचे साइड में जब आओगे ना तो थोड़ा सा 10 to 20 सेकेंड थोड़ा इस टाइप से इसको होल्ड करो। ये देखो आप एक बार में ही, आप देखो कितना अच्छा स्ट्रेट होके आया, आप देख रहे हो एक बार में ही आपके बालों को इतना अच्छा स्ट्रेट कर दिया है। फिर आपको सेम ऐसे ही करना है, फिर आपको स्ट्रेटनर इस टाइप से पकड़ना है, देन अपने बालों को अच्छे से इस टाइप से करना है। सो गाइज अभी आप देखो मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं एंड आप बिफ़ोर आफ्टर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले ना मैं इसको एक फाइनल कोम्ब करूँगी अच्छे से बालों को, देख लो आप, मैं ना इसको तो अच्छे से कोम्ब कर लूँगी ताकि जो भी है ना, एंड ये जो आपके बेबी हेयर्स है ना, इसी टाइम आप क्या करो ना थोड़े अपने बालों को इस टाइप से प्रेस कर लेना ताकि वो ना थोड़ा बैठ जाए, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। तो मैं अच्छे से कोम्ब कर ली हूँ एंड यू कैन सी माई हेयर कितना ज़्यादा साइनी लग रहा है अभी एंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो अभी मैं इस साइड के भी बाल जल्दी जल्दी स्ट्रेट कर लूँगी, बट मैं एक बार थोड़ा सा फाइनल
टचअप दूंगी, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से स्ट्रेट करूंगी पूरे बालों को। रैंडमली आपको इस टाइप से बस स्ट्रेटनर को थोड़ा ऊपर 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 इस टाइप से कोम से कर करके इसको आपको चला लेना है। दैट्स इट गाइज, एंड आपके बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे सच में। अभी आप देखो, तो गाइज अभी आप देख सकते हो मेरे ये स्ट्रेट हेयर हैं एंड विदाउट स्ट्रेट हेयर। ये देखो आप कितना ज़्यादा डिफरेंट है ना, ये देखो आप कितना सुंदर लग रहा है गाइज मेरे बाल अभी। एंड अभी मैं फटाफट इस साइड का भी बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो गाइज अभी आप देख लो, मैंने अपने पूरे बालों को स्ट्रेट कर लिया है एंड कुछ इस टाइप का ये फाइनल लुक आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरीके से आप अपने बालों को घर पे ही स्ट्रेट कर सकते हो। एंड गाइज अभी मैं कुछ बातों को क्लियर कर दूँ। सो गाइज ये बिल्कुल भी परमानेंट स्ट्रेट नहीं है, ये टेम्पररी स्ट्रेट है। आप जब तक अपना हेयर वॉश नहीं करते हो तब तक ये आपके बालों को स्ट्रेट कर रखेगा। तो मैं अगर एक बार स्ट्रेट कर लेती हूँ तो जब तक मैं हेयर वॉश ना करूँ तब तक ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएगा या कुछ भी, ये बहुत अच्छे से रहता है। देन गाइज एक बात मैं और आप लोग को बता दूँ कि आप प्लीज़ ज़्यादा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ ना करें, कभी कभी ही यूज़ करें, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो ये आपके बालों को जलाता है, आपके बालों को बर्न करता है। तो प्लीज़ ज़्यादातर आप स्किप करें, कोई ओकेजनल या फिर कहीं कुछ फेस्टिवल तो ही आप यूज़ करें, या फिर कभी आपको कहीं जाना हो तो, बट ऐसे ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ ना करें। एंड गाइज एक बात और, बाल को स्ट्रेट करने से पहले प्लीज़ आप एक बार हीट सेटिंग स्प्रे ज़रूर आप यूज़ करें, जो भी आपके पास है यूज़ करो। मैं आपको ये नहीं बोलती, जो मैं यूज़ करती हूँ वो आप करो, जो भी अच्छा सा है वो प्लीज़ आप हेयर प्रोटेक्शन यूज़ ज़रूर करें, ताकि आपके बाल ज़्यादा डैमेज ना हो एंड काफ़ी अच्छे से आप अपने बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लुक आता है एंड दिस इज़ माई फाइनल हेयर लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद मुझे आता है। हेयर स्ट्रेटनर मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आप लोग को आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी। मिलूँगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर,